हाय गाइस, आप सब कैसे हो? और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए आप सब कैसे हो, आप सबके फैमिली मेंबर्स सब कैसे हैं? और मैं कल अपनी मम्मी के घर जाने वाली हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी पैकिंग में लगी हुई हूँ। और लगभग मेरा पैकिंग तो हो ही चुका है, और मेरा पैकिंग पैक हो चुका है और मैं कल जाने वाली हूँ, क्योंकि छठ पूजा आने वाली है और यहाँ हमारे ससुराल में तो छठ पूजा होती नहीं है। तो मैं अपने मम्मी के घर जाऊँगी, वहाँ पर छठ पूजा सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि छठ पूजा का अलग ही मज़ा है। मतलब क्या बोलूँ, बिहारी होना और छठ पूजा मतलब नेक्स्ट लेवल एक्साइटिंग है। और तो आप लोग के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं छठ पूजा में घर जाने वाली हूँ, तो मैं वहाँ छठ पूजा की हो सकेगा तो मैं छोटी मोटी ब्लॉग्स बनाऊँगी छठ पूजा में, तो आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे होते हैं कैसे नहीं छठ पूजा, और हमारे घर में कैसे छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं, उस मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको सब देखने मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तो पता चलेगा। कल तो नहा खा से स्टार्ट हो रहा है, कल कद्दू का सब्जी और चावल और मसूर दाल खाया जाता है, और लहर दाल, मसूर दाल नहीं लहर दाल बोलते हैं, वो खाया जाता है, और तो उससे छठ का स्टार्टिंग हो जाता है। और मेरी मम्मी करती है छठ, और मेरी काकी मतलब चाची वो करती है छठ, छोटी चाची करती है। तो घर में बहुत सारा एक्साइटिंग बना रहता है, छठ आने वाला है, छठ आने वाला है, आगे से हमारे घर में शोरगोल होता रहता है, छठ आने वाला है। तो अभी तो हम लोग बहुत एक्साइटिंग है कि छत आ रहा है, तो छत के और मैं भी घर जाने वाली हूँ, तो मुझे भी बहुत सारा एक्साइटिंग है, जहाँ छत में घर जाना है। और मेरा तो सबसे फेवरेट फेस्टिवल छत है और दुर्गा पूजा, मैं इस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहती हूँ। तो और क्या बताऊँ, मुझे उतनी कुछ आती नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो मुझे कुछ भूल चुलो तो सॉरी। और अब कुकिंग करने के रात को 7:30 तक चाय पीने का टाइम हो जाएगा। मेरे हस्बैंड आए नहीं अभी ऑफिस से, वो आ जाएंगे तो मेरी चाय पीने का टाइम भी हो जाएगा। और मैंने कुछ कुकिंग, रात का डिनर भी करना है, डिनर बनाना है, और उसके बाद जल्दी जल्दी सोऊंगी, सुबह जल्दी उठूंगी, और कल सुबह जल्दी उठ के रेडी होना है, क्योंकि पापा आने वाले हैं लेने के लिए। तो पापा आएंगे तो पापा के साथ मैं जाने वाली हूँ सुबह, बहुत एक्साइटिंग है। जल्दी जल्दी घर जाऊँ, मम्मी से मिलूँ, सिस्टर हैं सिस्टर से मिलूँ, भाई है, सब से मिलने के। छत एक ऐसा त्यौहार है जो सब मिलते हैं, एक साथ होते हैं, सब लोग एक साथ हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। तो आप लोग को भी कुछ कुछ ऐसा त्यौहार होगा जो आप लोग के लिए बहुत बड़ी होगी, तो उसे ही मैं हमारे लिए भी अच्छा थे। सबका अपना अपना एक फेस्टिवल होता है जो बहुत अच्छा लगता है, उसे हमारा है छत, तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, और बहुत हमारा फेवरेट फेस्टिवल भी है छत। तो और क्या बोलूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में, और मैं आगे आपको बताती रहूँगी कैसे छत की तैयारी हो रही है, कैसे छत में हम लोग क्या क्या करते हैं या क्या क्या बनाते हैं, तो आपको सब दिखाएंगे, और जानते रहिए छत के बारे में, और मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़ गाइस, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और अभी थोड़ी देर के बाद हम मिलेंगे, मैं कुकिंग करते हुए मैं देखाऊंगी किसी भी क्या कुकिंग कर रही हूँ आज। बाय बाय।